फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय शाम। चलिए देखते हैं आज ड्रम ब्रेक्स और मैकेनिकल ब्रेक्स। चलिए देखते हैं आज असल ब्रेक कैसे काम करता है और जो इसमें पार्ट्स है वो आपको कैम और ब्रेक लाइनर, ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू, और ये जो देख रहे हैं आपको ये स्प्रिंग है, रिट्रैक्ट स्प्रिंग, इसे रिट्रैक्ट स्प्रिंग बोला जाता है। ये स्प्रिंग का जो मेन यूज़ है वो आपको जब आप ब्रेक लगाएंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, और जब आप ब्रेक छोड़ेंगे तो ये फिर से जो ब्रेक शू कॉन्टैक्ट कर लेगा। इसमें जब आप ब्रेक पेडल पे जब आप ब्रेक ब्रेक लगाते हैं जो ये कैम है, और आपको कैम है प्रेजेंट ये ऐसा है, जब आप ब्रेक लगाएंगे तो जो कैम है आपको ऐसा टर्न हो जाएगा, मतलब आपको डायरेक्शन जो है उसका जो है चेंजिंग होगा। तो इससे होगा क्या कि जब आप जब ये घूमेगा तो ये जो ब्रेक शू पे जो ये प्रेजर लगाएगा, जब ये घूमेगा ऐसा, जब घूमेगा तो इस पर जो है आपको जो जो शू पे जो है ऐसा ये प्रेजर लगाएगा, तो जो ये ब्रेक लाइनर है जो ये आप देख रहे हैं ब्रेक लाइनर, ये ड्रम को जाके कांटेक्ट होगा, मतलब उसका टच होगा। तो इसमें 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 और जो ब्रेक लाइनर में जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, मतलब घिसावट क्रिएट होगा, जैसे कि जो ये लाइनर है या ड्रम को रोक देगा। ये ड्रम के ऊपर जो आपका जो है वो व्हील्स, मतलब जो टायर रहता है इसके ऊपर असेंबल हुआ होता है। जैसे ही ये लाइनर इसमें टच होगा तो जो ये जब आप पेडल प्रेस करेंगे तो लाइनर जो है वो ड्रम को टच होगा, मतलब टच होगा, तो ये जो ब्रेक आपको जो है वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आप फिर से आप जब छोड़ेंगे इसको, जैसे आप ब्रेक पेडल जब आप छोड़ेंगे, जो ये स्प्रिंग है जो ये ब्रेक शू को फिर से मतलब कॉन्टैक्ट कर लेगा, फिर से सेम पोजिशन पर ला के छोड़ देगा, फिर से जो ये कैम है फिर से आपको सेम पोजीशन पे आ जाएगा। सो इसे मैकेनिकल ब्रेक इसके लिए बोला जाता है कि ये थ्रू लिंकेजेस थ्रू लीवर पेडल, मतलब मैकेनिकली ये काम करता है। जो इस ब्रेक में जो मेन मेन जो प्रॉब्लम थी, जो ड्रॉबैक था इसमें, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो अचानक अचानक ब्रेक ब्रेक लगता है, जिससे कि जिससे जर्क वो जो आदमी है जो बस में गिर जाते हैं, इसके लिए इसके लिए इसे उतना सेफ नहीं माना जाता था। इसके लिए जो नया ब्रेक का जो आविष्कार हुआ, जो नए नए जैसे जैसे जनरेशन ग्रोथ ग्रोथ होते गई, वैसे ही इसका ब्रेक का जो जो नए नए जो नए नए ब्रेक्स बनने लगे, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गया और न्यूमेटिक ब्रेक्स और फिर एयर ब्रेक्स हो गया है। इस टॉपिक के ऊपर अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर होप अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।